हाय माय नेम इज सौरभ एंड वेलकम टू एज ट्रेडिंग ऑफिशियल। आज की वीडियो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी टू मेक मिलियंस आउट ऑफ ट्रेडिंग। आप मिलियंस कैसे बना सकते हो एक छोटे से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। आज मैं एक 7-figure ट्रेडर हूँ जो दिन में 20,000 रुपीज से 2,00,000 रुपये तक का प्रॉफिट बुक करता हूँ एवरी सिंगल डे, वो भी चार्ट्स को सिर्फ 2-3 घंटे देख। पर ये हमेशा से ऐसा नहीं था, मुझे कई साल लग गए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। बट मैं आपको आज वो एक सीक्रेट सॉस शेयर करने वाला हूँ, सीक्रेट टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिससे आप भी ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा बना सकते। लाखों रुपए और हजारों घंटे लग गए मुझे ये समझने कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। लोग हमेशा से बोलते हैं ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्किल्स और टेक्निकल्स। आई टोटली एग्री, बट एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। बट विदाउट रिस्क मैनेजमेंट इट इज इम्पॉसिबल कि आप ट्रेडिंग से कुछ भी पैसा बनाओ। एंड रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको लेवल 1 से लेवल 100 तक लेके जाएगी, वो भी 4 से 5 महीनों में, अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करें। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट इज डिटरमाइनिंग योर रिस्क एपेटाइट। मतलब कि आप अपने कैपिटल में से कितना अमाउंट रिस्क कर सकते हो, दैट इज़ द थिंग। अगर आप अपने कैपिटल का 10% रिस्क कर सकते हो तो दैट इज़ योर रिस्क एपेटाइट। रिस्क मैनेजमेंट में आपको एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेट करना होता है और फिर उसके बाद में अपने कैपिटल को आपको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, दिस इज़ वॉट रिस्क मैनेजमेंट मीन्स। First and the most important point in risk management is a percentage based system, not dollar based system. मतलब कि अगर आप कोई भी ट्रेड लो तो आप परसेंटेज वाइज के हिसाब से लो। मान लेते मैं एक Zomato कंपनी का एग्जाम्पल लेता हूँ, और Zomato कंपनी में अगर आप अकाउंट्स देखो तो कंपनी अकाउंटिंग में अपने जो फाइनेंसेस है उसका 20% डालती है, फिर उसके बाद में सैलरीज में 10% डालती है, सेविंग्स में 20% डालती है एंड वॉट नॉट। तो ये जो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको करना होता है रिस्क मैनेजमेंट में। तो हमेशा आपको अपने कैपिटल को ध्यान में रख के उसके बेसिस पर परसेंटेज वाइज रिस्क लेना होगा। जब भी एक ट्रेड लोगे तो उसमें पैसे देखकर ट्रेड मत करो, परसेंटेज देखकर ट्रेड करो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपका एक $1,000 का कैपिटल है और आपको उस कैपिटल से महीने के या दिन के या हफ्ते के $500 बनाने हैं, क्या ये पॉसिबल है? $500 इज 50% ऑफ $1,000 एंड 50% कैपिटल गेन इज नॉट ए जोक। थिंक ऑफ अ रियलिस्टिक नंबर। रियलिस्टिक नंबर मतलब 10%, 8%, ऐसा अगर आप बोलो तो दैट इज डूएबल। मान लेते हैं कि अगर आपका $1,000 का कैपिटल है तो आप अगर महीने के मुझे बोलोगे कि मुझे उससे 8% या फिर 10% का कैपिटल गेन करना है एट द एंड ऑफ द मंथ, विच इज़ डूएबल एंड विच इज़ राइट। बट अगर आप एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर चलोगे कि आपको $1,000 डाल के हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने $500 बनाने, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 50% कैपिटल गेन इज़ नॉट पॉसिबल। एंड आप देखो कि अगर आपको 8% या फिर 10% भी बनाने हैं तो विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, कि आप ऐसा नहीं होगा कि आप हर महीने में 8% या 10% बना ही लोगे, ये सस्टेनेबल नहीं है, आपका कभी कम कभी ज़्यादा होगा। बट आई नो 8-10% $1,000 के कैपिटल पे आपको बहुत कम लग रहा होगा। बट थिंक ऑफ अ बिगर कैपिटल, $100,000 का आप कैपिटल समझो और उस पर आप 8-10% समझो। 8-10% मतलब $8,000 या से $10,000 आप एक महीने में बना सकते हो, और इतना बनाने के बाद आप अपना जॉब छोड़ सकते हो और ट्रेडिंग को एक फुल टाइम प्रोफेशन ले सकते हो। अब आप ये रियलाइज करोगे कि ये जो परसेंटेज बेस सिस्टम मैंने बताया था, ये जो 8-10% वाला मैंने कैपिटल गेन बनाया था, ये एक बड़े अकाउंट पर काम करता है एंड विच इज़ अ फैक्ट। अगर आपको फाइनेंशियल इंडस्ट्री में पैसा बनाना है, फाइनेंसेस बनाने, तो आपको पैसा बनाने के लिए भी पैसा लगेगा। और ये पैसा कहाँ से आएगा? आपको एक बड़ा कैपिटल लगेगा, और ये बड़ा कैपिटल लाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रहेगा कि आपको पैसे जमा करने होंगे, जोड़ने होंगे, और फिर उसके बाद में एज ए इन्वेस्टमेंट एक कैपिटल, बड़ा कैपिटल डालना होगा।
एंड सेकेंड इज फंडेड अकाउंट्स। मैंने भी इनिशियली यही किया था, मैंने भी एक $100,000 का फंडेड अकाउंट लिया था जिससे मैंने फर्स्ट महीने में भी 3% कैपिटल गेन कर लिया था विच इज $3,000 और ये मैंने फर्स्ट मंथ में किया था। फिर उसके बाद में मैं अगले महीने में 4-5 एंड सो ऑन ऐसा करते गया। और अगर आपको भी एक बड़े कैपिटल का इंतज़ाम करना है तो आप एक तो फंडेड अकाउंट ले सकते हो या फिर आप अपने पैसे जमा करके एज अ कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आप ये सोचो कि आप ये ही पैसा $1,000 के अकाउंट से बनाने जाओ, $1,000 से $3,000 आपको रियलिस्टिक लग रहा है? विच इज़ 3 times ऑफ योर कैपिटल, इट इज़ नॉट रियलिस्टिक। अगर आपको भी पैसा बनाना है तो आपको भी एक बड़ा अमाउंट लगेगा और उस बड़े अमाउंट से आपको छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना होगा। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, दैट इज़ कि दे थिंक ऑफ इट एज ऑल अबाउट मनी। इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ ऑल अबाउट परसेंटेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या हमें यही सेम रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना है? द आंसर इज़ नो। इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। क्या आप एक फंडेड अकाउंट पे हो, क्या आप एक पर्सनल अकाउंट पे हो, या क्या आप एक साइड अकाउंट पे हो जिससे आपका प्रॉफिट बने या कितना बने आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड से कोई फर्क ना पड़े। अब मैं आपको 3 examples के साथ 3 approaches बताऊंगा जिसको आप फॉलो कर पाओगे। ये तीनों अप्रोचेस में से फर्स्ट अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो रहेगा रिस्किंग 0.5 to 1% ऑफ योर कैपिटल पर ट्रेड। सुनने में बहुत कम लग रहा है बट थिंक ऑफ अ बिगर कैपिटल। $100,000 के कैपिटल पे अगर आप ये देखो तो दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। हेजिंग, स्कैल्पिंग जो भी लोग करते हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि आप कम रिस्क लेके ज़्यादा ट्रेड्स ले पाओगे विच इवेंचुअली विल गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ट्रेड्स लोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट बन पाएगा अगर आपका एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा रहा तो। और मैं भी आपको यही अप्रोच सजेस्ट करूँगा अगर आप मार्केट में फ्रीक्वेंट एंट्रीज और एग्जिट लेते हो और ज़्यादा ट्रेड्स लेते हो तो आप ज़्यादा ट्रेड्स लो पाओगे लोअर रिस्क इन्वॉल्व करके और ज़्यादा ट्रेड्स मतलब ज़्यादा पैसा भी बना पाओगे। द सेकेंड अप्रोच इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अप्रोच। आपने हमेशा सुना होगा यूज़ 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल पर ट्रेड, दैट इज इट। आपको हमेशा 1 to 2% यूज़ करना होगा अपने कैपिटल का पर ट्रेड, आपको इतना ही रिस्क करना होगा। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन इन दिस अप्रोच इज कि आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज डिसाइड करना होगा और फिर उसको आपको हमेशा थ्रू आउट बनाए रखना होगा अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। मान लेते आपने 1% रिस्क के साथ 5 trades ली विथ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2। तो अगर आपकी पाँचों ट्रेड्स विन होती है तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा दैट विल बी 10% ऑफ योर कैपिटल, मतलब कि आपका जो कैपिटल गेन रहेगा दैट विल बी 10%, राइट। बट मान लेते कि आप 5 continue trades विन कर लेते हो तब तो आप खुद को भगवान समझोगे। आपका क्या, मैं खुद को अगर मैंने 5 continue trades विन कर ली तो मैं खुद को भी भगवान समझ लूँ। बट इसी चक्कर में अगर हमने अपना रिस्क को 1% to 2% कर लिया मान लेते और आपने नेक्स्ट 2 trades ली risking 2% ऑफ योर कैपिटल, तो आप सोचो अगर वो दोनों ट्रेड्स आपकी लॉस हो जाती है तो आपका जो लॉस होगा दैट विल बी 4%। तो मान लो आपने जो 10% का कैपिटल गेन किया था उसमें से 4% आपके चले जाएंगे एंड द टोटल प्रॉफिट विल बी 6% कैपिटल गेन विच इज़ लो एज कम्पेयर टू अगर आप 1% को स्टिक करके रहते और ये 2 trades मान लेते आपकी लूजिंग एंड पे भी रहती तब भी आपका 2% का ही लॉस होता और आपका 8% का कैपिटल गेन रहता। तो द की टू दिस अप्रोच इज कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट और परसेंटेज डिटरमाइन करना होगा और आपको हमेशा उसको स्टिक करके रहना होगा। एंड थर्ड एंड द लास्ट अप्रोच इज रिस्कियर अप्रोच। हियर यू विल बी रिस्किंग 3 to 5% ऑफ योर कैपिटल और ये अप्रोच कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, कृपया आप इनसे दूर रहें। मैं भी ये अप्रोच यूज करता हूँ जस्ट बिकॉज मेरा रिस्क एपेटाइट अच्छा है। अगर आपका भी रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो आप ये अप्रोच यूज कर सकते हो। मान लेते हैं कि आप 2 trades लेते हैं रिस्किंग 5% ऑफ योर कैपिटल और 2 trades में भी आपका अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का भी रहा तो 2 trades में आपका 30% कैपिटल गेन होगा
जहाँ पे आपका रिवॉर्ड तो बड़ा होगा, बट अगर दो ट्रेड्स आपके कंटिन्यूस लूज भी होते हैं तो आपका 10% का कैपिटल लॉस होगा। तो ये अप्रोच उन्हीं लोगों के लिए जो एक साइड अकाउंट यूज कर रहे हैं, मतलब कि एक अकाउंट जिसके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस से आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े, इस अकाउंट पे आप वो यूज कर सकते हो। वरना अगर आप एक फंडेड या फिर पर्सनल अकाउंट यूज कर रहे हो तो ये अप्रोच आप बिल्कुल भी यूज मत करना। अगर आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जैसे कि मुझे भी यहाँ से इंडस्ट्री में 4 से 5 साल हो चुके हैं, और मैं भी ये रिस्कियर अप्रोच तभी यूज करता हूँ जब मुझे कॉन्फिडेंस हो ट्रेड पर कि वो एक प्रॉपर मेरा फॉलोअप लेगी, और एक प्रॉपर सेटअप बनने के बाद ही मैं ट्रेड्स में एंटर करता हूँ विद दिस रिस्कियर अप्रोच। ये रिस्कियर अप्रोच आपको ज़्यादा रिवॉर्ड तो देगा ही देगा, बट इसमें आपका रिस्क भी ज़्यादा होगा। इस अप्रोच में भी आपको एक परसेंटेज डिटरमाइन करना होगा। मान लेते आप 3% डिटरमाइन करो या 5% डिटरमाइन करो, और उस 5% को ही आप बना कर लेकर चलो। और आप अगर 5% को लेकर चलते हो तो आप एक चीज़ फॉलो करोगे कि 5% आप रिस्क लो अनलेस एंड अनटिल योर कैपिटल गोज डाउन बिलो 50%। अगर आपका कैपिटल $100 का था और अगर 5% रिस्क लेके आपका $50 पे आ जाता है तो आप 5% रिस्क नहीं करोगे, आप 3% या फिर आपके हिसाब से जितना आपको लगे उतना आप रिस्क करोगे। अगर आपको भी मेरे साथ ट्रेड करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ जहाँ पे आप अपना भी फॉरेक्स अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो। और इसी के साथ साथ मैं टेलीग्राम चैनल की भी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ पे मैं ट्रेडिंग फ्री में सिखाता हूँ और एनालिसिस भी शेयर करता हूँ। तो अगर आपको वो फॉलो करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल।